लोगों से बातचीत की गई, जानने की कोशिश की गई, मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, आगामी सरकार से क्या कुछ चाहते हैं। और इस एग्जिट पोल के दौरान जो न्यूज 18 का सर्वे है उसमें न्यूज 18 की टीम ने जब लोगों से बातचीत की, जनमानस को समझने की कोशिश की, तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त मिलता हुआ नजर आ रहा है और 9 से 11 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों में एग्जिट पोल के जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और अब आपको बता दें कि न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट प्रतिशत मिलता हुआ नजर आया है, तो वहीं कांग्रेस को 43% वोट का अनुमान जताया जा रहा है और अन्य को 5% वोट मिल सकता है। ये जो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल है इसमें किसकी कौन सी पार्टी पसंदीदा रही है, इसके मुताबिक ये समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 52% वोट मिल सकता है। तो देखिए न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटें लोकसभा सीटों पर जहां पर बीजेपी दम भरती आई है कि वो 11 की 11 लोकसभा सीटों पर फतह हासिल करेगी और बीजेपी अपने कब्जे में लेगी। हालांकि अभी भी बहुमत के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन इस बार ये गठबंधन दावा कर रहा था कि कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी के पाले से सीटों को खींचकर अपने दामन में लेकर आएगा, लेकिन जो मेगा एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को महज 2 ही सीटों पर सिमटने की तस्वीर झलकती हुई नजर आई है। तो वही वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बीजेपी को अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत जाता हुआ नजर आया है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिल सकता है 52% वोट, कांग्रेस को 43% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य जो कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनको 5% वोट का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल की जो तैयारी थी वो बहुत भव्य तरीके से की गई थी क्योंकि आम जन को समझने की कोशिश कौन किसे पसंद कर रहा है। साफ तौर पर यहां पर जो बीजेपी है एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी की जा रही है। मेगा एग्जिट पोल में 9 से 11 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी के लिए, तो वह इंडिया गठबंधन को लेकर यह स्पष्ट हुआ है कि यहां पर महज 2 ही सीटों पर यह पूरा गठबंधन सिमट जाएगा। अन्य की यहां पर बात करें तो वोटिंग प्रतिशत में अन्य महज 5% वोट लेकर ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत की बात कर लीजिए चाहे सीटों की बात कर लीजिए हर जगह पर बीजेपी दबदबा बनाए हुए है। और वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 355 से 370 सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही हैं। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 400 सीट पार करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के नाते हमारा छत्तीसगढ़ के अलावा और भी कई प्रदेशों में जाना हुआ जी। हम उड़ीसा गए, झारखंड गए, मध्य प्रदेश गए, तेलंगाना भी गए और सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। सभी लोग तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में तो हम लोग सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे रहे हैं और जो हमारी पार्टी का नारा है, एनडीए का नारा है, अब की बार 400 पार हमको लगता है निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। 370 तक सीटें भाजपा की दिखाई जा रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, अथक मेहनत किया है और निसंदेह यही कुछ परिणाम, ऐसा ही कुछ परिणाम आएगा। मसला ये हो गया था कि विपक्ष ये कहना शुरू कर दिया था कि 400 सीट भाजपा की नहीं आएगी, मतलब 380-390 कुछ आएगी, ऐसा कुछ भाव होगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, 370 हमारे हृदय का विषय था और हम ये चाहते थे कि सोचते थे कि 400 से अधिक सीटें एनडीए की आएंगी। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, हमारे साथ डिप्टी सीएम मौजूद है अरुण साव जी। 400 सीट पार का लक्ष्य आप लोगों ने रखा था, क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उस पर क्या मानते हैं आप? एग्जिट पोल का नतीजा हमारे अनुमानों के नजदीक पहुंचा है, पर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, जो हमारा अनुमान है एनडीए 400 पार होने वाला है और 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जी। वोट परसेंटेज का जो अनुमान आप लोगों ने रखा था, क्या लगता है वो परिणाम के अनुरूप बढ़ पाएगा? देखिए, जब परिणाम आएगा तब वो बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है आज के एग्जिट पोल के नतीजों से कि अब की बार 400 पार होने ही वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लक्ष्य है, कहीं ना कहीं 9 से 11 एग्जिट पोल बता रहे, क्या लग रहा है क्लीन स्वीप होगा या फिर? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप होने वाला है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस का तो 15 से अधिक राज्यों में खाता नहीं खुलने वाला है, छत्तीसगढ़ सहित शून्य में आउट होने वाली है कांग्रेस पार्टी जी। ये थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका कहना है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है, जो भाजपा ने लक्ष्य रखा था वो पूरा होने वाला है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। मुझे ये बोलते हुए कि जिस बात को लगातार हम लोग बोलते रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे पूरे हिंदुस्तान के नतीजों के बारे में, मोदी जी के गारंटी के बारे में, आज वो प्राथमिक दृष्टि से एग्जिट पोल में 100% खरा उतर रहा है। दक्षिण में जिस धमाकेदार बढ़त की ओर भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, मुझे लगता है कि दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये सभी क्षेत्रों में ये कंटिन्यूअस बढ़त रहेगी। आज ठीक है कि एग्जिट पोल है 4 तारीख के नतीजे में, मगर निश्चित रूप से इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने सहयोगियों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं। एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है, किस तरीके से देख रहे हैं परिणाम, क्या भाजपा के अनुमान के अनुरूप आई है? निश्चित रूप से हम 400 सीट की बातचीत कर रहे थे और एग्जिट पोल लगभग 400 के आसपास के आंकड़े को एवरेज में दिखा रहा, किसी में 371 है, किसी में 380 है, किसी में 359 है, इस प्रकार से लगभग 400 के आसपास के आंकड़े को एग्जिट पोल छू रहा है। छत्तीसगढ़ में 9 सीटों के आसपास दिखा रही है, 9 से 11 सीटें, तो क्या कम हो सकती है? नहीं, ठीक है, एग्जिट पोल में 9 से 11 दिखा रही है, चूंकि ये एग्जिट पोल नहीं है, एग्जिट में 9 से 11 तो ऐसे उनको लिखना पड़ेगा। 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं, कांग्रेस को संभावित 2 सीटों को दे रहा है कि 9 से 11, कांग्रेस 0 से 2, तो इस प्रकार से हम 11 की 11 जीतेंगे। कहीं अगर कंफ्यूजन है तो मार्जिन जरूर कम हो सकता है 1-2 सीटों में, परंतु 11 की 11 जीतेंगे जी। ये थे स्वास्थ्य मंत्री जी, जिन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के अनुरूप जो अनुमान आया है वो और भी सीटें बढ़ेंगी जब परिणाम आएंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए और हमारे साथ जुड़े हैं वन मंत्री केदार कश्यप जी। केदार कश्यप जी, क्या लगता है एग्जिट पोल के नतीजे अनुमान के अनुरूप आए हैं आप लोगों के? एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े से बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की सीट और एनडीए की सीटें आएगी और जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का उत्तरोत्तर विकास होगा, ये लोगों का विश्वास है और लोगों के विश्वास पर यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से विश्वास जताया, पिछले 10 सालों में जो योजनाएं निचले स्तर तक पहुंची है ये अभूतपूर्व है। जिन योजनाओं के बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास, चाहे जल जीवन मिशन, अनेकों योजना के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचा करके उन योजनाओं को लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी। तो ये थे वन मंत्री केदार कश्यप, जिन्होंने कहा कि 400 पार का जो लक्ष्य रखा था वो परिणाम के दिन वो आने ही वाला है और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है जनता। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, जहां बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आकाश शुक्ला जुड़ चुके हैं रायपुर से। आकाश, मेगा एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है बीजेपी को, 9 से 11 सीटें जो बीजेपी दावा करती आ रही थी कि 11 से 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी, वहीं जो गठबंधन है कांग्रेस से बहुत दावे किए जा रहे थे, एक तरीके से ऐसा समझ में आ रहा है एग्जिट पोल के अनुसार कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस को फिर से लगने वाला है। तो
जी बिल्कुल, हमने छत्तीसगढ़ में तमाम बड़े नेताओं से बात की, उनका कहना है जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो उससे बेहतर परिणाम होगा। जो मोदी के जो 10 साल के कामकाज है, जनता ने उस पर विश्वास किया, राम मंदिर पर विश्वास किया और भारत के विकास पर विश्वास किया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जो बहुमत में आती दिखाई दे रही एक अनुमान है एग्जिट पोल का, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। मोदी जी फिर से सरकार बना रहे हैं, एग्जिट पोल का एक अरमान है जिससे भाजपा को बहुमत मिल रहा है, क्या मानते हैं इस पर आप? मोदी जी ने जितना टारगेट किया था 400 का, विपक्ष चाहेगा कि 400 न हो, लेकिन हम जान रहे हैं कि 367 से 379 सीट बीजेपी में आ रही है। मोदी जी की जो देन है, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन और महिलाओं को 33% का आरक्षण, उसके लिए पूरी जनता उनका आभार करती है, उन्हें जिता रही है। विकास को लेकर जो भाजपा ने दावा किया था, क्या मानते हैं उस पर शत प्रतिशत खरा उतरी है बीजेपी? विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, सभी जगहों पे हो रहा है, सड़कें बन रही है, हर स्टेट के अंदर में लाइट है, पानी है। सिर्फ समझिए जहां पर विपक्ष वालों का हल्ला है वहां पर कुछ भी नहीं है। बाकी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां काम हो रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां तहां देखिए झारसुगड़ा, राउरकेला और आपका देवघर, हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है। ये चाहत है मोदी जी की कि हिंदुस्तान का हर आदमी फ्लाइट से घूमे। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 11 सीटों का लक्ष्य रखा था, एग्जिट पोल 9 से 11 सीटें बता रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे, जनता ने किस मुद्दों पर वोट किया था? बीजेपी पे वोट किया था और 11 से 11 आ रही हैं सीटें जी, बिल्कुल आएंगी। क्या बीजेपी के काम काज से खुश थे? आप लोगों ने किसको वोट दिया था? बीजेपी को दिया हमने और हम खुश हैं बीजेपी से जी। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या मानती है, एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे हैं, महिला आरक्षण बीजेपी ने दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारत के सबसे शक्तिशाली है मोदी जी। जी, तो ये तमाम लोगों का कहना है कि जो विकास किया है बीजेपी ने उसको लेकर उन्होंने वोट किया और इस पर ही जो है वो खुश नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, लेकिन 4 तारीख का जो परिणाम होगा वो असली जनमत बताएगा। बिल्कुल आकाश, 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वही असली जनमत बचाएगा, लेकिन पिछले जो पूर्वानुमान रहे हैं न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के, वो हर बार सच साबित हुए और एक बार फिर से जो पूर्वानुमान सामने आ रहा है, जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर, पूरे देश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, और छत्तीसगढ़ में लहर बीजेपी की नजर आ रही थी। हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने खूब दम भरा कि पिछली सरकार में हमने जब काम किए हैं तो जनता क्यों नहीं हमें पसंद करेगी, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट सामने आया था वो काफी चौंकाने वाला था। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी जीत कराई, सत्ता में काबिज है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की चाहे बात कर लें, चाहे सिर्फ कांग्रेस की हम बात कर लें, एक बड़े चेहरे की तलाश जो पब्लिक करती है वो विपक्ष की तरफ से नहीं मिल पाया था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है क्या कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आती है? आकाश, जी बिल्कुल, देखिए पूरे चुनाव में एक मोदी जी का चेहरा है जो काम किया, इसके साथ ही जो विकास भाजपा ने किया उसको माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी रही लगातार, जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही वो कई भ्रष्टाचार के मामलों में घिरती नजर आई, नतीजा यही रहा कि उन्हें अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ता। इसके बाद बीजेपी आई, जो मोदी की गारंटी दी गई थी उसको लगातार पूरा किया, 4 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने यह बता दिया कि वो जनता की सरकार है। कारण यही है कि लगातार जो है वो वोटर भी जुड़ते रहे और जो रिजल्ट जो आए हैं एग्जिट पोल के नतीजे आए उसमें बढ़त तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि परिणाम आएंगे तो इस बार क्लीन स्वीप भी छत्तीसगढ़ में हो सकता है, ये कारण बिल्कुल है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल पर हम बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरीके से मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, कोई भी डिबेट चैनल्स पर वो शामिल नहीं होंगे। शुक्रिया आपका काश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज से बस्तर के दौरे पर रहेंगे। नक्सल खात्मे को लेकर राज्य सरकार की बड़ी पहले पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से मांगे जाएंगे सुझाव मांगे गए हैं। बस्तर में पत्रकारों और विशेषज्ञों से चर्चा की गई थी, जहां बुद्धिजीवियों से नक्सल मामलों पर चर्चा करेंगे।